दावा? महारानी ने भोजन कैसा बनाया? बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया महारानी ने। महारानी आप भी? कक्ष में जाकर विश्राम करें। भोजन बनाने में थोड़ी समस्या है, जल्दी सीख जाएंगे। नहीं लगी तो क्या है, स्त्रियों के मुकाबले में पुरुषों में सहनशीलता दिखती है। यादा सच है महाराज, पुरुष अपनी श्रेष्ठता जताने के लिए कह देते, परंतु स्त्रियां संकोचवश चुप रहती। हमने आपका संदेश देख लिया, परंतु राज्य की अव्यस्तता के कारण हम महाराज ये गुप्त संदेश आपके इतने अच्छे निर्णय लेने पर धन्यवाद करने के लिए। हम जानते हैं महारानी, परंतु संभवतः आप ये समझ नहीं पा रही है कि आप एक साधारण स्त्री नहीं हैं, आप महारानी हैं, झांसी की महारानी। और एक महारानी का पद गरिमामय,
जिसकी अपनी एक मर्यादा होती है, परंतु आप तो... और इतनी सी बात पर आप इतने क्रोधित हो गए। हम तो केवल आपको धन्यवाद देना चाहते थे, इसलिए हमने वो उपहार स्वयं अपने हाथों से बनाकर लाए थे। और आप तो इतने क्रोधित हो गए कि डर के कारण वो उपहार गिरकर टूट ही गया। हमें जोड़ना भी आता है महारानी। जाने अनजाने में आपने बहुत बड़ी बात की। और आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए हम भी आपको एक उपहार देना चाहते हैं। क्या? ये रहा आपका उपहार, स्वीकार कीजिए। सच? सचमुच महाराज, ये बहुत सुंदर। क्या हुआ? ये क्या दे रहा है? महाराज, ये पालकी तो ठीक है, परंतु हमारे रावबा की ओर से इससे भी बड़ा उपहार दरबार में आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। निवालकर वंश के संविधान के अनुसार आज दरबार में महारानी की अधिकारों की घोषणा होने वाली। महारानी, आप जल्दी से जाकर दरबार में पहुंचने की तैयारी कीजिए। श्री, हम आपका मंतव्य नहीं समझे। अभी से महारानी को राजा के अधिकार देने का क्या औचित्य? रावबा, बेटा ये तो तू भी जानता है कि महारानी बहुत ही साधारण परिवार से है, इसलिए राजकीय कामकाज समझने के लिए उन्हें तो वर्षों लगेंगे। प्रधानमंत्री जी, दरबार की संवैधानिक कार्यवाही आरंभ की जाए। जो आज्ञा महाराज। उपस्थित सभासदों, अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि आज मिस्टर फ्रेजर, फोर्ट विलियम्स के गवर्नर ने नहीं, इंग्लैंड के किंग जेम्स ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा हमें बुंदेलखंड का शासक घोषित किया। इसका अर्थ यह नहीं कि आप जिस समय चाहे, जब चाहे हमारे राजकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न करें। इस समय हमारे दरबार की अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यवाही चल रही है, कृपया प्रतीक्षा कीजिए ताकि आपको हिंदुस्तानी दरबार की गरिमा का आभास भी हो जाए। कार्यवाही जारी रखी जाए। जो आज्ञा महाराज। निवालकर वंश के संविधान के अनुसार महारानी लक्ष्मीबाई को झांसी की महारानी के
संवैधानिक अधिकारों की औपचारिक घोषणा की जाती है। माननीय भवटकर जी इन अधिकारों के विषय में आपको विस्तृत जानकारी देंगे। महाराज, नेवालकर वंश के संविधान के अनुसार महारानी लक्ष्मी बाई को निम्नलिखित संवैधानिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। धारा एक कि संविधान के अनुसार राजकीय निर्णय के अधिकार महाराज गंगाधर राव के होंगे, परंतु महाराज की अनुपस्थिति एवं आपातकालीन स्थिति में महारानी को निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त होगा। धारा दो यह कि महारानी दरबार में अपने सुझाव तो दे सकती है, परंतु उन्हें मानना या ना मानना महाराज का अधिकार होगा। धारा तीन कि महाराज की अनुपस्थिति में यदि महारानी आवश्यक समझे तो दरबार को बुलाकर राजस्व संबंधी निर्णय लेने का उन्हें अधिकार प्राप्त होगा। इस प्रकार महारानी लक्ष्मीबाई राजकीय कार्यों में अपना योगदान देने के अधिकार को प्राप्त कर चुके। बधाई हो महाराज आपको, परंतु वो तभी संभव है जब आप महारानी की गरिमा को भली भांति समझ लें। हम पूरा प्रयास करेंगे महाराज। कहिए मिस्टर फ्रेजर, कैसे कष्ट किया? थैंक यू योर मैजेस्टी। I'm extremely sorry to give you this news, but as per order of Honorable Governor Lord Ellenborough, treaty mein mention 2 lakh rupaye ka payment 3 mahine ke bajaye aapko 15 din mein karna hai. कैसे संभव हो सकता? अनुबंध पत्र के अनुसार 3 महीने की अवधि निर्धारित की गई थी, ये अचानक 15 दिन कैसे हो गए? 10,000 सोने की मुद्राएं दी हैं, समय ऐसे ही कम नहीं हुआ है। और महाराज, पिछले 2 वर्षों से हमारे राज्य में सूखा पड़ने के कारण किसान लगान नहीं दे पाए, परंतु इस वर्ष ईश्वर की अनुकंपा से अच्छी पैदावार हुई है, परंतु आड़त आते आते 2 महीने लगेंगे। But it is your problem. East India Company payment के लिए 15 days से ज्यादा आपको टाइम नहीं दे सकते। केवल इतना ही, क्षमा करें महाराज, राजकोष की स्थिति चिंताजनक है। राजकोष तो खाली और यहाँ भी फिरंगी वही कर रहे जैसे बिठर में करते थे।
नहीं नहीं, हम ये नहीं करने देंगे फ्रेजर। फ्रेजर आष्टी जी, वो हम ये सोच रहे थे कि महाराज कौन से ऋण का भुगतान। ये सब राजकाज की बातें, इतनी जल्दी आपकी समझ में नहीं आएगी। आप जाइए, ओरछा से कुछ किसान औरतें आपसे मिलने आई, जल्दी से तैयार हो जाइए। महाराज कीजिए महारानी जी। इसके क्या आवश्यकता थी? खाइए ना महारानी जी, अगर आप दो कौर खा लेंगी तो हम सब की आत्मा तृप्त हो जाएगी। खाइए ना महारानी, खाइए ना। मुझे भूख लगी है। कर रही हैं आप? ये ससुरा ऐसा ही है? रहने दीजिए काका। नीचे उतर। महारानी जी क्या कर रही हैं आप? महारानी जी धन्य है, महारानी हो तो ऐसी। अपने हाथ से लोगों ने हमें किस लिए याद किया? महारानी जी आपको तो पता है, पिछले 2 साल से सूखा पड़ा है, खाने के लाले पड़ गए हैं, साहूकार से ब्याज ले लेकर अपना पेट पाल रहे हैं। वैसे ये साल फसल बहुत अच्छी हुई है, मगर साहूकार का ब्याज इतना बढ़ गया है कि फिर से भूखा मरने की नौबत आ गई है। महारानी जी साहूकार से बस इतनी सी विनती कर दे कि आधो ब्याज ले ले तो इन बच्चन को पेट भर जाओगे। महारानी जी महारानी जी, ताकि हमारा लगान हमारा भला हो जाएगा। महाराज की समस्या भी कम नहीं,
लेकिन ये सब तो भूखे मारे हैं। हे देवा, क्या करें? ट्रीटी में मेंशन 2 लाख रुपए का पेमेंट, 3 महीने के बजाय आपको 15 दिन में करना। क्षमा करें, राजकोष की स्थिति चिंता चली गई। It is not your problem, Your Majesty. किसानों से कहिए, सरकार से ब्याज पर पैसे लेकर।